नमस्कार, मैं रामस्वरूप माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर बालेड़ी, कक्षा 9 विषय संस्कृत। ऑनलाइन कक्षा में सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आज मैं आपको संधि प्रकरणम यानी संधि प्रकरणम के विषय में ज्ञान कराऊंगा। संधि यानी संधि कहते किसे हैं? संधि का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक स्वर या व्यंजन पास पास आकर मिलते हैं और उनके मिलने में जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। और जब एक संधि युक्त पद को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार संधि के मूल भाग तीन प्रकार है। पहली है संधि स्वर संधि। स्वर संधि या इसको अच संधि भी कहते हैं। अच एक प्रत्यय का नाम है। स्वर संधि या अच संधि या अच संधि, अच एक प्रत्यय का नाम है। ये स्वर संधि क्या होती है? यानी जब प्रथम शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर हो और दोनों मिलकर जो परिवर्तन करते हैं वह स्वर संधि कहलाती है। आज हम स्वर संधि के विषय में ही पढ़ेंगे, इसके भेद और प्रकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि इसको हल संधि भी कहते हैं। हल भी एक प्रत्यय का नाम है स्वर संधि या हल संधि। और तीसरी जो संधि है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि इस प्रकार संधि के तीन भेद हैं। और आज हम ये जो स्वर संधि है और उसके भेद प्रकार है उनके विषय में पढ़ेंगे। स्वर संधि का जो पहला भाग है वह है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद स्वर संधि के विभिन्न भेद हैं जिनमें प्रमुख निम्न प्रकार है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दीर्घ संधि इसका सूत्र है अकै सवर्णे दीर्घ है। अके सवर्ण है दीर्घ है, ये इसका सूत्र है। अब एक प्रत्यय का नाम है यानी दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि के विषय में हम अध्ययन करेंगे। अकै स्वर्ण है दीर्घ है। अक प्रत्यय में आते हैं। अक प्रत्यय में आते हैं। अक प्रत्यय ए ई री ये आते हैं प्रत्यय। ए ई उ री इसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप आते हैं। ये एक प्रत्यय है ए ई उ री। ए या आ के बाद ए या आ के बाद आ के बाद यानी ए या आ के बाद ए या आ आता है तो हो जाता है आ दीर्घ रूप हो जाता है। इसी प्रकार ई या ई के बाद ई या ई के बाद ई या ई आवे तो हो जाता है ई दीर्घ ई।
ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आवे तो हो जाता है चू। कहने का अर्थ यह है कि जब ए के बाद में ए आएगा तो भी आ हो जाएगा, ए के बाद में आ आएगा तो भी आ हो जाएगा, आ के बाद में ए आएगा तो भी आ हो जाएगा, आ के बाद में आ आएगा तो भी आ हो जाएगा। यानी प्रथम पद के अंत में ए या आ आवे और दूसरे पद के प्रारंभ में ए या आ आवे तो आ हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्रथम पद के अंत में ई के बाद ई आवे तो ई हो जाता है, ई या के बाद ई आवे तो भी ई हो जाता है, ई के बाद में ई आवे तो भी ई हो जाता है, ई के बाद में ई आवे तो भी ई हो जाता है। इसी प्रकार ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आवे तो ऊ हो जाता है, और इसी प्रकार री या री के बाद री या री के बाद री या री आवे तो री हो जाता है, बड़ी री यानी री हो जाता है। ये चार स्थिति है, अकेय अप्रत्यय में चार वर्ण है और उनके वर्ण में ये आएंगे तो उनका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे आपको समझना है अब संधि विच्छेद या संधि युक्त पद, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है हमारा शशांक, इसमें से क्या निकलेगा ए, इसमें से ए निकलेगा तो ये आ जाएगा ए, और इधर तो ए आई रहा है और दोनों मिलकर हो जाएंगे आ, अर्थात शशांक शब्द हो जाएगा से शान के शशांक ए, और ए के बाद में ए आ रहा है इसलिए आ हो गया है और शब्द बन गया शशांक, शब्द बन गया शशांक। दैत्य प्लस अरी, दैत्य प्लस अरी तो इसमें से ए निकलेगा और इधर तो ए नहीं है, दोनों मिलके हो जाएंगे दैत्यारी, दैत्यारी 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 हो जाएगा। इसी प्रकार मुर प्लस अरी, इससे शब्द बनेगा, इसमें से ए निकलेगा, इधर को ए है और शब्द हो जाएगा मुरारी, शब्द बन जाएगा मुरारी मुरारी। देव प्लस आल्य, देव प्लस आल्य तो यहां में से ए निकलेगा यहां से और आ इधर पड़ी है और दोनों मिलकर हो जाएंगे आ, और शब्द बन जाएगा दे वा ले ये, दे वाले शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी और शब्द बन जाएगा विद्यार्थी। हिमालय, इसमें से प्ले में से तो ए निकल जाएगा और इधर को आ गई है, दोनों मिलकर हो जाएंगे आ, हिमालय।
हिमालय विद्यालय, विद्यालय का संधि विच्छेद करना है विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय विद्यालय। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र सब बनेगा रविंद्र, रविंद्र रविंद्र सब बनेगा। दयानंद, दयानंद इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दया प्लस आनंद, आनंद दयानंद। कविंद्र, कविंद्र कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। श्री, श्री प्लस ईश है श्री, ग्रीस ग्री इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ग्री प्लस ईस, ग्री प्लस ईस ग्रीस। इसी प्रकार बानु प्लस उदय, उदय इसका संधि युक्त पर बढ़ेगा बानुदय, बानुदय। और भी इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश इसमें से ऊ निकलेगा और इधर को ऊ है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे बड़ा ऊ, यानी गु रूप देश, गुरु देश। सुक्ति, सुक्ति का विषय संधि विच्छेद करेंगे हम तो बनेगा सु प्लस उक्ति, सुक्ति। ओत्री प्लस निकार, ओ ओत्री प्लस निकार। इसका संधि युक्त पद बनाएंगे तो सब बनेगा ओत्री का, ओ त्री का है ओत्री का, दीर्घ रूप हो जाएगा दी का। पितृणम, पित्री पित्री प्लस ऋणम,
इसका संधि युक्त पद बनाएंगे तो पितृणम हो जाएगा, पितृणम। मातृणम मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम यानी मा त्री ने मैं मात्र। तो ये हमारी दीर्घ संधि है। अब कैसे वर्ण है दीर्घ है, ये दीर्घ संधि के सभी उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। और स्वर संधि का जो दूसरा भाग है वह गुण संधि, नंबर दो पे है गुण संधि। गुण संधि इसका सूत्र है आद गुणे, आद गुणे
बराबर यहां से ए निकलेगा और यहां से ई है ये है और दोनों मिलकर हो जाएंगे ए और सब बढ़ जाएगा उपेंद्र। उपेंद्र गजेंद्र गजेंद्र इसका संधि विच्छेद करना है हमको तो क्या होगा गज 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 प्लस इंद्र यार इसमें से तो निकलेगा है और इधर को ई है ये और दोनों मिलकर हो गए ए और सब बन जाएगा गजेंद्र। गणेश गण प्लस ईश गण प्लस ईश इधर से ए निकलेगा इधर को ई है दोनों मिलकर हो गए ए और सब मिलकर गणेश गणेश महा प्लस ईश इधर से आ निकलेगा और इधर को ई नहीं है और दोनों मिलकर हो गए ए और सब बन गया महेश महेश महेश। इसी प्रकार रमेश रमेश शब्द का मतलब संधि विच्छेद करना है तो रमा प्लस ईश है रमेश। रा का प्लस ईश रा का प्लस ईश बराबर सब बनेगा राकेश राकेश। परम प्लस उदार परम प्लस उदार सब बनेगा यहां से ए निकलेगा और इधर ओ ओ है और दोनों मिलकर हो गए ओ। परम प्लस उदार बराबर परमोदार। सूर्य प्लस उदय सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय सब बनेगा सूर्योदय। जलुर्मी जल प्लस उर्मी जल प्लस उर्मी सब बनेगा जलुर्मी जय लो रे मी चलो मी। गंगा प्लस उद्गम गंगा प्लस उदय उद्गम और सब बनेगा गंगोद्गम गंग गंगोत्तम। इसी प्रकार कृष्ण बल वृद्धि क
कृष्ण प्लस वृद्धि, कृष्ण प्लस वृद्धि, कृष्ण प्लस वृद्धि बराबर कृष्ण वृद्धि, कृष्ण वृद्धि और हो जाएगा। इसमें से एन निकल जाएगा और इधर को वी है और दोनों मिलकर हो जाएंगे आर, ए रे आर। देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि और शब्द बन जाएगा देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि। मैं ऋषि, महा प्लस ऋषि शब्द बन जाएगा महर्षि, महर्षि। तव प्लस रीका, रीका है, इधर से ए निकलेगा, इधर को री है और दोनों मिलकर हो जाएंगे अल और सौ बन जाएगा ते वे ले का रे तौल का। उप प्लस, उप प्लस री का रीयति और सब बनेगा उप, उप ले का रीयति। इस प्रकार ये हमारे गुण संधि के उदाहरण हैं। और भी गुण संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको आप इन इसी प्रकार के उदाहरण लेके आप संधि विच्छेद या संधि युगपत बना सकते हैं। आज आपके इस कालांश में दीर्घ संधि और गुण संधि दो संधियों का ज्ञान कराया और कल जो स्वर संधि के अगले भाग है उनके विषय में ज्ञान कराया। धन्यवाद।